छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रमन सिंह सोनवानी और संबंधित अधिकारियों के विदेश भागने की आशंका जताई है। बीजेपी ने सीबीआई और राज्य की पुलिस से आरोपियों के पासपोर्ट को रद्द करने की भी मांग की है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास ने आशंका जताते हुए कहा कि सीजीपीएससी के घोटालेबाज टामन सिंह सोनवानी और उसके सहयोगियों के देश छोड़ने की आशंका जताई है। सीबीआई और पुलिस से इनके पासपोर्ट रद्द करने की मांग की गई। गौरी शंकर ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कई कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम के ओएसडी आरोपियों को बचाने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की जांच अंतिम दौर में है, लगातार एफआईआर हो रही है, सीबीआई को जांच हमने सौंप दी है। बड़े शर्म का विषय है, भूपेश बघेल जी के खास सहयोगी रहे टामन सिंह सोनवानी भगोड़ा बनकर भाग खड़े हुए हैं, उनके सहयोगी भी भाग खड़े हुए हैं। मैं सीबीआई से और छत्तीसगढ़ पुलिस से अनुरोध करता हूं कि इनके पासपोर्ट को रद्द किया जाए। ये कभी भी देश छोड़कर भाग सकते हैं, जांच रुक सकती है। इधर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सीजीपीएससी के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो विदेश भागने की फिराक में है लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करेगा वो जेल जाएगा, और उसको पूरा करके हमारे विष्णुदेव साय जी ने वो पीएससी घोटाले में जो है उसकी सीबीआई जांच की जो है मांग भी कर दी और उसकी अनुशंसा भी केंद्र को कर दी, और पाताल में भी रहेंगे तो निकाल लेंगे, चिंता की बात नहीं है। सीजीपीएससी घोटाले की जांच बीजेपी ने सीबीआई को सौंप दी है और जल्द ही जांच शुरू होगी। इधर सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी समेत अन्य अधिकारियों पर बालोद में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में जिस तरह से कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, आरोपियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संबंधित आरोपियों का फोन भी बंद है और कई आरोपी फरार है। न्यूज 18 के लिए रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।